यूपी तक, यूपी का नंबर वन यूट्यूब चैनल। लड़कियों को ज्यादा उम्र बढ़ा देने से बहरहाल हालात बिगड़ेंगे, और जो 18 साल की उम्र भी काफी थी उनके लिए जी, और वो हमेशा चली आ रही थी, और इस वरना इसे ज्यादा आवारगी का मौका मिलेगा। कसम से मुरादाबाद वालों को परमवीर चक्र मिलना चाहिए, क्या हीरा सांसद चुना है लोगों ने, शानदार जबरदस्त जिंदाबाद। ये हैं समाजवादी पार्टी से सांसद शफीकुर रहमान बर्क, नाम तो सुना ही होगा। ये अक्सर अपनी उलूल जुलूल बयानों के लिए चर्चा में रहते हैं, लेकिन साहब ने इस बार सभी हदें पार कर दी। कह रहे हैं कि लड़कियों की शादी की उम्र सीमा बढ़ाने से लड़कियां आवारगी करेंगी। लड़कियों को ज्यादा उम्र बढ़ा देने से बहरहाल हालात बिगड़ेंगे, और जो 18 साल की उम्र भी काफी थी उनके लिए जी, और वो हमेशा चली आ रही थी, और इस वरना इसे ज्यादा आवारगी का मौका मिलेगा। मतलब आप कह रहे हैं आवारगी का मौका मिलेगा, चलने फिरने का, घूमने का उनको मौका मिलेगा दादा जी। खैर, अगर आप ये सोच रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में बस एक ही बयानवीर है, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, क्योंकि जब सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से हमने शफीकुर रहमान बर्क के बयान पर सवाल पूछा, तो उन्होंने जो जवाब दिया उसे सुनकर आप भी माथा पीट लेंगे। अखिलेश यादव शफीकुर रहमान बर्क का बचाव करते हुए अपने सांसद को बुजुर्ग बता दिया और ठीकरा मीडिया पर फोड़ दिया। उन्होंने कहा कि बुजुर्ग शख्स को मीडिया वाले कुरेदते हैं। अखिलेश यादव ने सफाई दी कि समाजवादी पार्टी हमेशा महिलाओं के हित की बात करती है। वो बुजुर्ग हैं, वो अक्सर उनसे कोई न कोई प्रेस का व्यक्ति जाता है, वो कुरेदता है कोई न कोई, इसलिए वो कभी कभी ऐसे स्टेटमेंट देते हैं। लेकिन महिलाओं का सम्मान, बेटियों का सम्मान, और अगर फॉरवर्ड लुकिंग हो, महिलाएं हो, समाजवादी पार्टी ने सोचे किस जमाने में लैपटॉप दिया था, किस जमाने में 1090 लड़कियों की सुरक्षा के लिए इंतजाम किया था, तो समाजवादी पार्टी प्रोग्रेसिव पार्टी है। हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद सांसद जी अपनी बातों से पलटी मार गए और साफ साफ कह दिया कि मेरे बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। तो बहरहाल गरीब देश है, इस जगह हर आदमी ये चाहता है हमारी बच्ची जल्दी निकल जाए जी हाँ। अब तालीम का जहाँ ताल्लुक है, वो तालीम उसकी घर पर भी होती है और ससुराल में भी हो सकती है तालीम। कैसे देखते हैं, ये क्या सही है, पार्लियामेंट में आएगा तो इसका समर्थन? हम नहीं, समर्थन नहीं करेंगे। मतलब बर्क साहब का ये बात है या समाजवादी पार्टी? ना, समाजवादी पार्टी के नहीं, मैं माईसेल्फ आई एम सेइंग टू यू। हाँ, आपको लगता है कि 18 से 21 के बीच में जो गैप होगा साल का, उसमें थोड़े से शक और शुबा हो सकता है कि अगर लड़की की उम्र, शादी की उम्र? अरे नहीं, शुबा कुछ नहीं भाई, बेटी हमारी हो या आपकी हो, किसी की हो, हमारी बेटी है, सब बेटियां हैं, हमें सबका उनके लिए अच्छी सोच रखनी है। आपने बात कही कि आवारगी की तरफ बढ़ सकती है? नहीं नहीं, ये कि वो मैंने ये बात नहीं कही थी, वो गलत का इस्तेमाल कर लिया उन्होंने, आवारगी का नहीं, बल्कि ये है कि ये माहौल ठीक नहीं है, ये बात थी, मेरा मंशा उस था। आपने बात क्या कही थी? वो तो मुझे ये समझ में जा रहा है कि आपने बात क्या कही थी? नहीं, बात उस वक्त यही कही थी कि माहौल अच्छा नहीं, उस माहौल में ठीक नहीं रहेगा। लेकिन शफीकुर रहमान बर्क के इस बयान पर बवाल मच गया है। बीजेपी के प्रवक्ता सहजाद पूनावाला ने शफीकुर रहमान के जरिए सपा के उन सभी नेताओं को घेर लिया और कहा कि एक विशेष वोट बैंक को साधने के लिए इस तरह के बयान दिए जाते हैं। ये सहयोग नहीं, ये प्रयोग है, ये उद्योग बन चुका है। समाजवादी पार्टी नेताओं का बार बार महिला विरोधी बयान देना उनकी वोट बैंक की राजनीति का ये एक अहम हिस्सा है, और इसीलिए चाहे वो मुलायम सिंह यादव का वो बलात्कार को लेकर बयान हो कि लड़के हैं गलती हो जाती है, चाहे अखिलेश यादव जी का 3 तलाक के कानून के खिलाफ स्टैंड हो, या गायत्री प्रजापति के लिए कैंपेनिंग करना हो, या अब जो उनके सांसद
बर्क साहब ने कहा है कि महिलाओं की शादी करने की उम्र अगर 18 से 21 कर दी जाती है तो वो आवारगी करेंगी। ये उनकी मानसिकता को दर्शाता है और किस प्रकार से केवल एक कट्टरवादी वोट बैंक को खुश रखने के लिए महिला विरोधी स्टैंड लेने की जो फितरत है समाजवादी पार्टी की, ये फिर से एक बार सामने निकल कर आई है। पर अफसोस की बात यह है कि चाहे कांग्रेस पार्टी हो, जिसके विधायक ने बलात्कार को लेकर असंवेदनशील और बहुत ही शर्मनाक बयान दिया, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, ये तमाम पार्टियां वैसे तो महिला सशक्तिकरण की बड़ी बड़ी बातें करती है, नारे देती है लड़की हूं लड़ सकती हूं, परंतु उनके खुद के कृत्य ऐसे हैं जो पूरी दुनिया को और देश को शर्मसार कर रहे हैं और इस पर ये ना कोई कार्रवाई करते हैं ना इस पर कुछ बोलते हैं। हाँ, राजनीति करने के लिए हाथरस जरूर पहुंच जाते हैं। यूपी तक के लिए समर्थ श्रीवास्तव की रिपोर्ट।